हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज यहाँ पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो आपका लेक्चर नंबर 19 है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये केमिकल काइनेटिक्स का आखिरी लेक्चर है। आप इस बात को नोट कर लो। इससे पहले हमने टोटल 18 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, ओके, एक से लेके 18 तक। उसके अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स के सी से लेके काइनेटिक्स का जो एक एल होता है, लास्ट का एस होता है, वहां तक सारी की सारी चीजें कंप्लीट करवाई है। ए टू जेड हमने सिलेबस पूरा कवर किया है केमिकल काइनेटिक्स का, ओके। और साथ में अगर आपको जीओसी चाहिए तो जीओसी भी हमने पूरा अपलोड किया है। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा दोनों का जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास नए व्यूअर्स आ रहे हैं, जो भी नए लोग आ रहे हैं वीडियो को देखने के लिए, उनसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़ो और आप हमसे जुड़ के बहुत सारी जो चीजें हैं केमिस्ट्री रिलेटेड, वो सारी की सारी जो चीजें हैं आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है सॉल्ट इफेक्ट। और ये सॉल्ट इफेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, इसके लिए इसको केमिकल काइनेटिक्स में सबसे आखिरी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं होता है। ये अगर आप देखोगे तो केमिकल काइनेटिक्स आपको जो आप सेल्स के बारे में पढ़ते हो, बैटरी के बारे में पढ़ते हो, तब उसमें आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन जनरली अगर आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करो तो उसके अंदर आपको ऐसी सारी जो चीजें होती है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट इफेक्ट है, वो सॉल्ट इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पे बहुत डिटेल में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि सॉल्ट इफेक्ट होता क्या है, किस तरीके से उसका ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। उससे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्ट इफेक्ट के बारे में जाने। अगर आपको रिकैप चाहिए तो हम रिकैप भी दे देंगे कि सॉल्ट इफेक्ट में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी लिंडमन मैकेनिज्म के अंदर, ओके। तो लिंडमन मैकेनिज्म एक तरह से मैकेनिज्म था, ओके, वो भी बेस ऑन एक तरह से जैसे सॉल्यूशन काइनेटिक्स होता है ना, उसी के ऊपर बेस था। और ये जो सॉल्ट इफेक्ट होता है ना, ये भी आपका पूरी तरह से सॉल्यूशन काइनेटिक्स के ऊपर ही क्या होता है, बेस होता है। इसके अंदर सपोज कैसा होता है कि अगर आप कोई एक रिएक्शन लेते हो, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है, ओके, ये रिएक्शन कैसा हो सकता है, सिंपली आपका एक रिएक्शन हो सकता है जिसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, एक आयोनिक रिएक्शन होना चाहिए, ओके। सॉल्ट इफेक्ट में हमेशा आप किसके कौन से रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो, आयोनिक रिएक्शन के बारे में, ओके। अभी आयोनिक रिएक्शन से भी आपका एक ये हो सकता है कि आयोनिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आयोनिक रिएक्शन के अंदर आपके चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस चार्जेस, ओके। जब आप किसी प्लस प्लस या फिर आपके प्लस प्लस माइनस प्लस जो भी कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं, आप यहाँ पे कंसिडर कर लो, यहाँ पे चार्जेस हमने लिख दिए, और उस सॉल्ट के ऊपर होने वाला जो आयन आयन का जो इफेक्ट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्ट इफेक्ट का एक बेसिक सा जो मतलब था वो तो आपको पता चल गया कि एक्चुअली में इसका बेसिक मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे कैसे होता है ना, इसके अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है कि अगर आपके पास सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट होता है आपका एम प्लस में और ये क्या होता है, एक्स माइनस में डिसोसिएट होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके क्या है, आयोनिक चार्जेस है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके आयोनिक चार्ज है, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ओके। और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया जो डिसोसिएट हो रहा है आपका एम प्लस और एक्स माइनस के अंदर, ओके। और जनरली जब हम कभी भी सॉल्ट इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ये जनरली हम लोग सॉल्यूशन काइनेटिक्स के अंदर ही हम लोग देखते हैं, ओके। सॉल्यूशन काइनेटिक्स के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, और किसी के अंदर हम लोग इसको स्टडी नहीं करते, ओके। तो ये आपको समझ गया होगा। अभी जैसे इन जनरल अगर आप कोई एग्जाम्पल लेते हो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। सपोज आपके पास कोई एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ पे आपके पास बी है, ओके। और इससे क्या कर रहे हो, आप सिंपली एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो। लेकिन अगर ये आयोनिक है, ठीक है, ये सिंपली अगर आपके आयोनिक है तो आयोनिक होने के कारण यहाँ पे आपके कुछ तो चार्जेस होंगे, तो वो चार्जेस हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो वो चार्जेस को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे जेड ए या फिर जेड बी, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, ओके। तो उसमें कोई ये नहीं है। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सिंपल सा ये है, ओके। अभी ये सिंपल से आयोनिक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये एक तो बेसिक सा आपका आयोनिक रिएक्शन हो गया। लेकिन इस आयोनिक रिएक्शन में अगर हम लोग कहीं से वापस सॉल्ट का इफेक्ट यहाँ पे डालते हैं, ओके, यानी एक आयोनिक रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो उसमें जो इफेक्ट आता है उसी को हम लोग सॉल्ट इफेक्ट कहते हैं, ओके।
अभी हम लोग हमारे पास कोई एक आयोनिक रिएक्शन पहले से मौजूद है, पहले से हमारे पास सस्टेन है। अभी उस आयोनिक रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग ने कोई सॉल्ट डाल दिया, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ MX डाल देता हूँ, ये एक सॉल्ट हमने डाल दिया, ठीक है। ये सॉल्ट में क्या होगा, ये सॉल्ट क्या करेगा, ये जो सॉल्ट करेगा ये सॉल्ट डिसोसिएट होगा आपका एम प्लस ओके और एक्स माइनस में, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर ये एम प्लस और एक्स माइनस में यहाँ पे डिसोसिएट होता है आपका ये रिएक्शन, तो इसमें कैसा होता है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस कंडीशन में आपका एक चेंजेस होता है कि आपका जो ए है ना ओके, ए के ऊपर आपका जब जेड ए प्लस है ओके, और यहाँ पे आपके पास जो बी है, बी के ऊपर आपके पास क्या है, जेड बी माइनस है। सपोज यहाँ पे हमने कटायन और अनायन ले लिया, ये हमने अज्यूम किया है। अभी इस अजम्पशन में कैसा होता है कि यहाँ पे जब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे आपका सपोज एम प्लस और एक्स माइनस यहाँ पे डिसोसिएट होके बनते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स है ना वो एक्स किसके पास चले जाता है, पॉजिटिव के पास चले जाता है, और एम क्या होता है, नेगेटिव के पास चले जाता है ओके। तो इस केस में आपको कैसा देखने के लिए मिलता है, जब ये आपके पास पहले से कोई एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट पे अगर बाहर से किसी सॉल्ट का इफेक्ट पड़ता है ओके, तो यहाँ पे क्या करता है, एक इफेक्टिव लेयर क्रिएट करता है, जो इफेक्टिव लेयर होता है आपका एम प्लस का ओके। उसी तरीके से अगर यहाँ पे जो बी है, बी में भी क्या होता है, एक लेयर क्रिएट होता है जब ये सॉल्ट उसके ऊपर कोई अटैक करता है, इफेक्ट डालता है, और उसके ऊपर क्या होता है, एक्स माइनस का यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होता है। लेकिन ये लेयर इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो आसानी से एक दूसरे को क्या करे, मतलब इसके अलावा और किसी से वो इफेक्ट ना करे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो मतलब एक तरह से ऐसा एक मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब एक ऐसा वो सराउंडिंग यहाँ पे क्रिएट करता है ना, उस सराउंडिंग को हम लोग मतलब वो रिएक्ट नहीं कर सकते ओके। तो इस सराउंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिएक्टिव सराउंडिंग। और जो सॉल्ट यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सॉल्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, इनर्ट सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं ओके। इनर्ट सॉल्ट का मतलब यही होता है कि वो किसी के साथ क्या करता है, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट सॉल्ट कहते हैं। तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि इनर्ट सॉल्ट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से वो आयोनिक रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है, और जब वो आयोनिक रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है तो उसके सराउंडिंग में एक लेयर क्रिएट करता है, और वो लेयर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है, जो एक दूसरे को रिएक्शन होने से क्या करता है, बचाता है ओके। अभी यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ ओके। सॉल्ट डज नॉट अफेक्ट द नेचर ओके, इट ओनली अफेक्ट द रिएक्शन रेट, या फिर आप रिएक्शन रेट की जगह क्या कह सकते हो, स्पीड ओके, स्पीड ऑफ रिएक्शन ठीक है। अभी यहां पे अगर आपने बहुत एक सिंपल सा एक रिएक्शन देखा होता है जिसमें क्या होता है कि उसके नेचर को कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसके रिएक्शन रेट को इफेक्ट होता है, उसको हम लोग एज अ कैटलिस्ट भी देखते हैं ओके। कैटलिस्ट भी हम लोग उसको देखते हैं, इससे पहले हमने एंजाइम कैटलिस्ट का भी जो टॉपिक है वो कवर किया था, उसके अंदर भी आपने देखा था कि वो भी किस तरीके से यहाँ पे सॉल्ट की तरह ही इफेक्ट करता है, जो नेचर को इफेक्ट नहीं करता, ना ही उसके रिएक्शन रेट को, ना ही नेचर को इफेक्ट करता है, बस क्या करता है वो रिएक्शन को स्पीडअप कर देता है ओके, जिससे जो रिएक्शन होने वाला जो टाइम है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये उसका क्या था, एक मेन रोल था। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक तरह से हम लोग प्रूव भी करते हैं कि ये एक्चुअली में सही है या नहीं है ओके। सपोज हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा रिएक्शन कंसिडर करते हैं ओके, कंसिडर अ आयोनिक रिएक्शन ओके। हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा आयोनिक रिएक्शन कंसिडर किया। अभी इस आयोनिक रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्ट का इफेक्ट होता है ओके। ये आपके पास एक आयोनिक रिएक्शन है, जो है आपके पास ए प्लस आपका बी, और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे आपका क्या है, टू ए है ओके, और यहाँ पे आपका क्या है, टू बी है। ये आपके क्या हो गए, आयन हो गए ठीक है, ये आपके पास आयन्स हो गए, इसके लिए कटायन या अनायन कुछ भी हो सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है ओके। और जब आप क्या करते हो इस कटायन और अनायन के साथ, जैसे यहाँ पे आपका टू ए है, ये आपका प्लस बी टू बी है ना,
जब इसके साथ क्या करते हो, आप यहाँ पे कोई एक और सॉल्ट ऐड करते हो ना, चाहे आपका एम प्लस हो या एक्स माइनस हो, यहाँ पे प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, ओके। लेकिन जब ये सॉल्ट क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, अगर ये सॉल्ट इसके साथ रिएक्ट करता है, ओके, और ये वाला क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, तभी जाके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको पहले में भी दिख रहा था, ओके, जहां पे सिर्फ आयोनिक रिएक्शन हो रहा था। लेकिन उस आयोनिक रिएक्शन के अंदर जब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक एडिशन किया, एडिशन किसका किया हमने, सॉल्ट का, ओके, ये सॉल्ट का हमने एडिशन किया, एक एक्स्ट्रा एडिशन, ठीक। तो जब इस एडिशन का हम लोग करते हैं तो ये क्या करता है ना, इसकी एक टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी क्या होती है, आप ध्यान से देखो, ओके। जब आप कभी भी यहाँ पे किसी भी सॉल्ट को जब ऐड करते हो ना, ओके, तो इसकी जो टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी होती है ब्रेक करने की आयन को, ओके, ब्रेक इनटू आयन, ओके। तो ये जो सॉल्ट है वो क्या हो गए, ब्रेक इनटू आयन्स हो गए, यानी एम प्लस बन गया, एक्स माइनस बन गया, ओके। अभी ये क्या करता है, ये जो आयन यहाँ पे ब्रेक होते हैं ना, इसी यही क्या करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है आयोनिक स्ट्रेंथ को, ओके। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आयोनिक स्ट्रेंथ को, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करता है ए के पास, ओके, ए के पास एक लेयर क्रिएट करेगा, ठीक है। ये लेयर होगा आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका एम प्लस हो, यहाँ पे जो बी है, बी के पास भी एक लेयर क्रिएट कर सकता है, चाहे आपका एम प्लस हो या एक्स माइनस हो, ओके। ये दोनों लेयर यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा इस तरीके से, ओके। और इसका जो एक रेट कांस्टेंट आता है ना, वो रेट कांस्टेंट इस तरीके से होता है, हमने देखा भी था, रेट कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, के, ओके। यहाँ पे आपके पास ए और ए की पावर एन आ जाएगी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ये नहीं पता कि कितने आयन्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, ओके। तो आप इस चीज को, जो रेट है, रेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओके, रेट, या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेट एंड रेट कांस्टेंट, ओके, रेट या फिर रेट कांस्टेंट, ठीक है। अभी रेट और रेट कांस्टेंट को हम लोग एज अ आयोनिक स्ट्रेंथ भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहीं आयोनिक स्ट्रेंथ आ जाए, और अगर आपको रेट कांस्टेंट और रेट का अगर आपको पूछा जाए, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि रेट कांस्टेंट का मतलब ही होता है आयोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आयोनिक स्ट्रेंथ, और जो रेट कांस्टेंट एंड आयोनिक स्ट्रेंथ है, ये दोनों के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, जो एक दूसरे को क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका रेट कांस्टेंट, ओके। रेट कांस्टेंट आप ले लो या फिर आयोनिक स्ट्रेंथ ले लो, यानी अगर आपका आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो आपका रेट ऑफ कांस्टेंट भी है, रेट क्या होगा यहाँ पे, बढ़ेगा, यानी रेट इज इक्वल टू यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ। तो दोनों चीजें हमने क्या किया, यहाँ पे ले ली है, यानी दोनों चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझनी चाहिए, ओके। तो आप क्या करो, इस चीज को यहाँ पे आप ब्रैकेट कर लो, ताकि ये एक तरह से इंपॉर्टेंट इसके लिए है, क्योंकि यही सारी चीजें आप आगे जाके प्रूफ करने वाले हो, और यही सारी चीजों के ऊपर हम लोग एक डेरिवेशन भी करेंगे, जो इसका क्या होगा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसका जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये किस तरीके से आए, ओके। तो यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं, ठीक है, टू ऑब्टेन मैथमेटिकल डिपेंडेंस ऑफ सॉल्ट इफेक्ट और आयोनिक रिएक्शन, ओके। तो जो आयोनिक रिएक्शन के ऊपर मैथमेटिकल डिपेंडेंस होता है सॉल्ट इफेक्ट का, उसको यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, ओके। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका जो मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग यहां पे देखते हैं, ओके। तो कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर अ आयोनिक रिएक्शन, हमने क्या किया, यहां पे एक आयोनिक रिएक्शन कंसीडर किया है, जो है आपके पास ए प्लस बी, और इससे क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे आपका क्या है, जेड ए है, और यहां पे आपके पास क्या है, जेड बी है, जो आपके क्या है, चार्जेस है, आयोनिक चार्जेस है, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो एक मॉडल था, एक जो हमने पढ़ा था कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी का, ओके।
अभी अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी उसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था आपके पास, ए प्लस बी, ओके, ये इक्विलिब्रियम में था जिससे आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, ये आपका क्या हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा था फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से आपका क्या हो रहा था प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन अगर आप आयोनिक रिएक्शन के रूप में अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जेड ए आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जेड बी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आपको जेड ए प्लस जेड बी देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा एक रिएक्शन का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, अगर आप इसको कंपेयर करते हो आयोनिक रिएक्शन के कारण, ओके। तो ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ओके। अभी इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का अगर आपको इसका पूरा एक कंप्लीट रिएक्शन रेट लिखना हो तो इसका जो रेट आएगा वो रेट क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड एनर्जी, ओके, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन, ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये आपके पास क्या है एक फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ वर्ड तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी, तो ये आ जाएगा एक्स का एक्टिवेटेड यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है आपका वी, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा आपका रेट, एक रेट कांस्टेंट का जो इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है आपका बनेगा इस तरीके से अगर आप एस कंपेयर करते हो फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के लिए, ओके। अगर आप इसको एक नंबर दे दो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको ये करके रखता हूँ, हाईलाइट करके रखता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर अगर हम इसको एक आयोनिक रिएक्शन के रूप में देखें, ओके, तो ये आयोनिक रिएक्शन है, ये आयोनिक रिएक्शन क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट इफेक्ट रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो आयोनिक यहाँ पे रिएक्शन है वो क्या करता है यहाँ पे सॉल्ट इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, सॉल्ट इफेक्ट रिएक्शन, ये एक सॉल्ट इफेक्ट रिएक्शन की तरह रिप्रेजेंट करता है जहां पे जो आपका ये जो रेट कॉन्स्टेंट है वो रेट कॉन्स्टेंट और यहाँ पे जो आपका जो आई है, जो आई रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपका आयोनिक स्ट्रेंथ, ओके। तो ये आपका क्या हो गया ये रेट कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, ये रेट कांस्टेंट हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ हो गया। अभी आपको क्या करना है ये दोनों में ही आपको रिलेशन पूरा फाइंड करना है, ठीक है, यूजिंग जो आपका मैथमेटिकल एक रिप्रेजेंटेशन है उसकी मदद से, ओके। तो हम ये देखेंगे कि आपका जो रेट कांस्टेंट है, जो आपका आई है, वो किस तरीके से एक दूसरे को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अगर आई आई की बात करो आप तो आई इज इक्वल टू क्या है आपके पास आयोनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आप इस चीज को नोट करते रहो कि आई की वैल्यू क्या दी है। अभी यहाँ पे आई का जो फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, ओके, यहाँ पे आपका सम ऑफ सी आई और यहाँ पे आपका जेड आई और यहाँ पे आपके पास जेड का स्क्वायर, यहाँ पे जो सी है वो है आपका कॉन्सेंट्रेशन और जेड है वो है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखें, इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे हमने ये दे दिया। इस चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको आयोनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्टली दे दिया है, ओके। अभी फॉर आयोनिक रिएक्शन के लिए अगर हमें एक एग्जाम्पल लेना हो तो हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे बता सकते हैं, वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है HCl का, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग किस तरीके से आयोनिक में ये करते हैं, आयोनिक रिएक्शन होता है इसका, वो होता है आपका एच प्लस प्लस आपका सी एल माइनस का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे अगर ये एक मोलार है तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये भी आपका एक मोलार का फॉर्मेशन होता है और ये भी एक मोलार का फॉर्मेशन होता है, ओके। लेकिन इन जनरली अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपका कोई एक रिएक्शन हो रहा है सपोज जिसके पास क्या है पूरा 100% आपका रिएक्टेंट है, ओके, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में जाता है और प्रोडक्ट से जब बाय प्रोडक्ट में जाता है तो आप मुझे बताओ कि क्या 100% वो पूरा अपने साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन में लेके जाता है, तो ये नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाता है, बाकी का आपका रेसिड्यू निकलता है, वेस्ट निकलता है, लेकिन पूरा 100% आपका यहाँ पे
जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे जब आयोनिक स्ट्रेंथ में, जब आयोनिक रिएक्शन में, जब हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखा इस एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पे तो आपका 1 मोल का रिएक्टेंट था, लेकिन ये जब प्रोडक्ट में गया तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट में भी आपको 1 मोल और यहाँ पे भी आपका 1 मोल देखने के लिए मिला है। ओके, तो ये जो आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, इसी चीज को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, और ये आप एक तरह से कह सकते हो कि इसके अंदर आपको किसी तरह की जो सिमिलरिटीज है वो आपको नहीं देखने के लिए मिल रही। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इन जनरल रिएक्शन के अंदर कि अगर किसी रिएक्टेंट के पास 100% अगर कोई अमाउंट है तो वो प्रोडक्ट में भी 100% लेके जा रहा हो, लेकिन इस आयोनिक रिएक्शन के अंदर आपको ये कंप्लीटली देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इस कंडीशन में हम लोग जो एक्टिविटी है वो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है आपका एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स। ओके, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ओके, मल्टीप्लाई बाय आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला जनरली कैसा होता है, जो एक्टिवेटेड कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से। ओके, ये गैमा हो गया, और यहाँ पे जो आपका ये मल्टीप्लाई बाय जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और एक्टिविटी का आपका क्या हो गया, ए हो गया। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है, अगर जब आपका अगर कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जब आपको फॉर्मेशन में दिखने के लिए मिलता है, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, उसको आप डिराइव कर सकते हो और उसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। ओके, तो यहां तक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे जो रिलेशन है एक्टिविटी कोएफिशिएंट और आयोनिक स्ट्रेंथ के अंदर, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा जो हेडलाइन है वो रखते हैं, ठीक है, रिलेशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड आयोनिक स्ट्रेंथ। ओके, तो ये अगर रिलेशन को अगर हमें प्रूव करना है तो इस रिलेशन को हम कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला है और हमारे पास आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, किस तरीके से इंक्रीज होता है, उसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें पता है। लेकिन अगर इन दोनों में रिलेशन अगर हमें फाइंड करना है तो वो रिलेशन को हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या है, एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, वो चैलेंज को हम लोग प्रूफ करते हैं यूजिंग डीबे हुकल लिमिटिंग लॉस है। ओके, तो ये जो हमारे पास एक रिलेशन आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला है एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड आयोनिक स्ट्रेंथ का, तो उसको हम लोग टैकल करते हैं बाय यूजिंग द डिबे हुकल्स लिमिटिंग लॉ। ओके, तो डिबे हुकल्स लिमिटिंग लॉ क्या है, वो यहाँ पे वो होता है आपका लॉग सिग्मा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी, ओके, यहाँ पे आपके पास √1, इसको हम लोग मॉड कहते हैं। मॉड में कैसा होता है, जनरली जो भी आपका वैल्यू होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, जिसके अंदर जो आपका ए है, ए क्या है आपके पास, डिबे हुकल्स लिमिटिंग कॉन्स्टेंट है। ओके, डिबे हुकल लिमिटिंग कॉन्स्टेंट। ओके, और जो आपका इसका वैल्यू होता है ए का, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.509 होती है। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखो 0.51, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप 9 है तो 9 को एज अ 1 भी लिख सकते हो, और इसका ओवरऑल हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1/2, ये हाफ होता है ना, 0.51 अगर हमने लिया तो इस वैल्यू को एज अ कंसिडर हम लोग कर सकते हैं 1/2 से, यानी हाफ से, यानी ये क्या हो गया, एक तरह से 0.5 हो गया, और इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास दो चीजें थी। सबसे पहला था हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी था, उसके मुकाबले जो हमारे पास एक एक मिला था इक्वेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ओके, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से हमें एक फॉर्मूला मिला था, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आर इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे आपका एक्स का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे आपके पास क्या था, सिग्मा था,
ये हमारे पास एक इक्वेशन मिला था जब हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का जब हमने स्टार्टिंग किया था, पढ़ा था ऊपर। ओके, आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो था आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का, यहाँ पे आपका है। इसको हमने टिक मार्क भी करके रखा था क्योंकि हम इसको नीचे यूज करने वाले थे इन रिलेशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट और आयोनिक स्ट्रेंथ के अंदर। ओके, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिया, ये आपके पास था। अभी अगर हमें ऑप्टेन करना है फॉर एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, देन वी अप्लाई द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जो यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया ना इसमें इस रिएक्शन के अंदर, और ये रिएक्शन था आपका एक्टिविटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कहते हैं। ओके, जहां पे हमारे पास क्या होता है, एक जो रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट से आपका एक क्या बनता है, एक फॉर्मेशन होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा होता है आपका इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, टू ऑब्टेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वी अप्लाई इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अगर आप इसका ये निकालना चाहते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो। तो सिंपली इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका ए प्लस आपका बी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जेड ए और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जेड बी। जिससे क्या हो रहा है, अगर आप इक्विलिब्रियम यहाँ पे एक फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी के इक्विलिब्रियम में कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, आपने देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये आयोनिक में जाएगा विथ, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो आयोनिक रिलेशन से, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जेड ए प्लस आपका जेड बी का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है इन जनरली। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका जो एक फाइनल इक्वेशन आता है वो क्या आता है। ओके, तो इसका अगर हम लोग के इक्विलिब्रियम देखें, तो के इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके पास ए, यहाँ पे आपके पास एक्स का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन ए, और ए का यहाँ पे ए, और यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। ए क्या है, आपका एक्टिविटी है जो आपने देखा था पहले भी, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्या होता है, आपका एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पता चल गई। अभी आप क्या करोगे, इसका इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया है वो आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो ये सिंपली कैसे आएगा, यहाँ पे आप ध्यान देखो, जो आपके पास के इक्विलिब्रियम है, ठीक है, के इक्विलिब्रियम में जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा में आपके पास देखा था आपने, ये स्टार इस तरीके से आपको दिया था के इक्विलिब्रियम में, और ऑलरेडी आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स का जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो आपको यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सिग्मा ए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्मा ए और ये आ जाएगा ए, दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बी, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। तो इस तरीके से पूरा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्मेशन में होता है। अगर आप ऊपर भी देखोगे तो हमने यहाँ पे आपका एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स का जो पूरा एक इक्वेशन है वो आपको वहां पे एक्सप्लेन भी किया है, और इसकी मदद से आप यहाँ पे डायरेक्टली, अगर आप सिर्फ एक्स, यहाँ पे एक्स अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आएगा आपका गैमा ए मल्टीप्लाई बाय गैमा बी, ओके, मल्टीप्लाई बाय के इक्विलिब्रियम, ठीक है, मल्टीप्लाई उसका ए का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे आपका बी का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपका गैमा एक्स और यहाँ पे आपका उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ओके, तो ये जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आपके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आप आगे जाके इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप देखोगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग जो एक मेन फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कवर करने वाले हैं। ओके, और जैसे हमने बताया था कि जो एक्टिविटी का फॉर्मूला था, वह एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, गैमा इंटू सी था। ओके, ये गैमा का फॉर्मूला था, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके पास गैमा था और ये आपके पास क्या था, कॉन्सेंट्रेशन था। ओके, ये सिंपली आपको दिया था। अगर आप सिंपली यहाँ पे इस चीज को कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप कर सकते हो,
यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ए ए का पावर हो जाए, ए हो जाएगा यहाँ पे, गामा ए हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, उसी तरीके से अगर आप बी का देखो तो बी में क्या हो जाएगा, आपके पास गामा बी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक्स का देखो तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास गामा का एक्स हो जाएगा जो आपका एक्टिवेटेड है, और यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा जो आपका क्या है, एक्टिवेटेड है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे लिखा है, यानी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पहले हो रहा था, लेकिन अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया है। ओके, अभी इसी कन्वर्जन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। वो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो वैल्यू क्या है हमारे पास रेट, और रेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। ओके, ये जो क्या है आपका एक्टिवेटेड है, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास वी है। ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही क्या है अवेलेबल है, जो हमने निकाला था रेट कॉन्स्टेंट का, ओके एक्टिवेटेड का, और इस एक्टिवेटेड का इस्तेमाल करके हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका एक्स की यहाँ पे एक्स एक्टिवेटेड का जो फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है हमने, ये इसके अंदर अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर अप्लाई करके जो हमारा इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आपके पास यहाँ पे एक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो दिया है, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू गैमा ए मल्टीप्लाई बाय गैमा बी। ओके, यहाँ पे आपके पास के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास गैमा एक्स का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर क्या किया है यहाँ पे डिस्कवर किया है, जो है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्स। ओके, तो ये एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। आपके पास इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है, ये दोनों इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी सिंपली हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो एक्स की वैल्यू को अगर हम उसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं। ओके, तो अगर हम सब्सटीट्यूट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। ओके, अगर हमने क्या किया, सिंपली अगर सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन टू को इक्वेशन वन के अंदर, तो यहाँ पे जो रेट बनेगा वो रेट क्या होगा आपके पास, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास गैमा ए मल्टीप्लाई बाय गैमा बी। ओके, यहाँ पे आपके पास के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास गैमा मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, यही आपके पास फॉर्मूला बनेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय गामा एक्स का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है थ्रू आउट द, जब भी आप सॉल्ट इफेक्ट के बारे में देखते हो, सॉल्ट इफेक्ट के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अगर आप इसका रेट भी लिखना चाहते हो तो आप इसका रेट लिख सकते हो सिंप्लीफाई फॉर्म में। ओके, तो इसका जो रेट का फॉर्मूला आता है, वो रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास यहाँ पे गैमा ए मल्टीप्लाई बाय गैमा बी। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाता है के इक्विलिब्रियम और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय गैमा। ओके, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास गैमा एक्स का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आपको रेट पूछा जाए तो आप इससे भी रेट निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे वैल्यू सभी दी है तो आपको इसी फॉर्मूले का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ओके, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वो है फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, यहाँ पे सिंपली हमने आयोनिक कॉन्स्टेंट के लिए देखा, अभी यहाँ पे अगर हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम थ्योरी डिस्कवर करें या फिर थ्योरी लिखें, ठीक है, तो ये किस तरीके से आएगा, फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए जो थ्योरी होगी वो किस तरीके से होगी, अगर आप देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तरीके से हो सकते हैं, एक आयोनिक आपका होगा, आयोनिक क्या ऊपर हमने देखा। अगर हम लोग नॉन आयोनिक के लिए देखते हैं, ओके, अगर हम लोग नॉन आयोनिक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, नॉन आयोनिक रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर आयन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते। ओके, तो नॉन आयोनिक रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपके पास कोई ए है और बी है, या आपके पास रिएक्टेंट है, अगर ये इक्विलिब्रियम में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका के इक्विलिब्रियम हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके,
और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर नॉन आयोनिक रिएक्शन के लिए। ओके तो आप चाहो तो इस चीज को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। इस चीज को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने ऊपर आयोनिक रिएक्शन देखा था लेकिन नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर नॉन आयोनिक रिएक्शन। ओके दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है तो आपको उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है तो ये आपके पास एक रिएक्शन है। अगर हम इसका रेट लिखें तो इसका रेट हम आसानी से लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा आपका गैमा जो हमने पहले ही देखा था। ठीक है ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो गया, ये गैमा है। ओके अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी का इस्तेमाल करके अगर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखे। ओके इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिप्रेजेंट किया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, के इक्विलिब्रियम। आपके पास रेट की तो वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके सिर्फ हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कर दिया। ओके रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, तो रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम किया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगा, जो आपका क्या है, रिएक्टेंट है। आई थिंक आपको ये करने आता हो, रेट कांस्टेंट निकालने आता हो, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी देखा था कि अगर आपको किसी का भी रेट रेट कांस्टेंट निकालना है तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको कभी भी आप किसका भी रेट कांस्टेंट लिखो, चाहे के वन का हो, के माइनस वन का हो, के टू का हो, या के इक्विलिब्रियम का हो, उसके साथ आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फॉर जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको। ओके ये हो गया, तो इसका आपका जो रेट इक्विलिब्रियम है वो भी आपको मिल गया। इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन बने। ओके एक आपका नॉन आयोनिक रिएक्शन वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पे रिएक्शन का इक्वेशन बना, और दूसरा यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यहाँ पे रिएक्शन आपको बना। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके सब्स्टिट्यूट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। ओके अभी इक्वेशन टू को अगर हमने इक्वेशन वन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जहां पे आपका के इक्विलिब्रियम है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास रेट। ओके ये रेट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। ठीक है यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैमा हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से आपका एक रिएक्शन बनेगा जो आगे चल के अगर हम इसको रेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आपका गैमा। ओके मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा। ओके ये क्या हो गया, फॉर नॉन आयोनिक। तो इस चीज को आप क्या करोगे, ध्यान दोगे, ये फॉर क्या हो गया, नॉन आयोनिक रिएक्शन हो गया। ओके तो ये किसके लिए हो, हमने सीखा है नॉन आयोनिक रिएक्शन के लिए सीखा है। और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको। ओके इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक अलग कलर से थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट आएगा, ओके वो आप ध्यान से देखो, तो इसका जो रेट कांस्टेंट आएगा फॉर नॉन आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए, ओके वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, के नॉट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ओके मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वी। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको भी आपको याद रखना है फॉर नॉन आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए। अगर आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए बोला तो आप ऊपर वाला देखोगे, और फॉर नॉन आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए बोला तो आप ये देखोगे। ओके आयोनिक के लिए हमने ये निकाला था, ये आपका आयोनिक के लिए है। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर आयोनिक रिएक्शन। ठीक है आयोनिक रिएक्शन के लिए। ओके तो ये दोनों चीजें आप क्या करोगे, याद रखोगे फॉर आयोनिक रिएक्शन और फॉर नॉन आयोनिक रिएक्शन के लिए। ओके अगर आप इसका ओवरऑल देखते हो, कंपेयर करते हो अगर आप दोनों को, तो दोनों को कंपेयर करके भी आप इसका एक रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है तो यहाँ पे जो इसका ओवरऑल आएगा, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, ठीक है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थियरी। ओके हमने अभी तक क्या देखा था, फॉर आयोनिक और नॉन आयोनिक के लिए देखा था। ओके अगर हम लोग दोनों को कंपेयर कर दे, आयोनिक और नॉन आयोनिक को, तो इसके अंदर क्या बनेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके तो सबसे पहला क्या है आपका यहाँ पे आयोनिक, ठीक है ये आपका क्या हो गया, आयोनिक रिएक्शन हो गया, ये हमने सबसे पहला देखा था। और दूसरा देखा था हमारा नॉन आयोनिक। ओके ये हमारा क्या कौन सा हो गया, नॉन आयोनिक रिएक्शन। ठीक है दोनों रिएक्शन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और दोनों रिएक्शन में देखते हैं कि किस तरीके से इसका एक कंबाइंड रिएक्शन यहाँ पे बनता है। ओके नॉन आयोनिक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक तरह से एक पेज ही रखते हैं। नॉन आयोनिक का जो रेट था वो रेट हमने क्या लिखा था, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास सिग्मा ए मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बी ओके गैमा बी, के इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपके पास सिग्मा मल्टीप्लाई बाय
ए मल्टीप्लाई बाय बी, ओके ये आपके पास था, और डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे आपके पास सिग्मा एक्स का एक्टिवेटेड पावर, ओके और दूसरे का जो रेट था वो क्या था आपके पास, रेट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय गैमा मल्टीप्लाई बाय ए और मल्टीप्लाई बाय बी, ये हो गया आपके पास। और दूसरा है आपके पास यहाँ पे इसका जो रेट कांस्टेंट आएगा, रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे वो लिख देते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट, ओके तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास के नॉट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आता है यहाँ पे वी था, ओके तो ये आपके पास था फॉर नॉन आयोनिक रिएक्शन के लिए। और इसका रेट कांस्टेंट आएगा, इसका जो रेट कांस्टेंट था उसका रेट कांस्टेंट क्या था आपके पास, सिग्मा गामा ए गामा बी, ओके मल्टीप्लाई बाय के इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे क्या था यहाँ पे आपका था गामा, ओके ये था, और डिवाइडेड बाय क्या था गामा एक्स का यहाँ पे एक्टिवेटेड पावर। तो ये किसके लिए था, ये था आपके लिए फॉर आयोनिक रिएक्शन के लिए, और दूसरा वाला था फॉर नॉन आयोनिक रिएक्शन के लिए, ओके तो दोनों चीजों को आपको क्या करना है याद रखना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है इसके ऊपर, आपको अलग अलग तरीके से आपको क्या करना होगा इस चीज को आपको टैकल करना होगा, और आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सॉल्व करने होंगे, ओके इसमें हमने एक आयोनिक स्ट्रेंथ भी देखा था, ओके तो आयोनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास, के सिग्मा ए मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बी, ओके यहाँ पे गैमा बी के नॉट और डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास गैमा यहाँ पे आपका एक्स का एक्टिवेटेड पावर, ओके तो ये हमारे पास क्या था आयोनिक स्ट्रेंथ का एक जो फॉर्मूला था जो क्या होता है मिसिंग होता है वो आपको यहाँ पे दिया था, ओके अगर हम इस चीज में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आयोनिक स्ट्रेंथ दिया है अगर हम इसमें क्या करते हैं लॉग का करते हैं, ओके अगर हम लॉग करते हैं टेकिंग लॉग, अगर हम लोग इसके अंदर लॉग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लॉग के इज इक्वल टू ये लॉग गैमा ए मल्टीप्लाई बाय गैमा बी, ओके यहाँ पे आपके पास के नॉट हो जाएगा, ओके डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास गैमा, ओके एक्स का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ओके ये आपके पास वैल्यू बनेगा। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे अगर हमने देखा था हमारे पास एक फॉर्मूला था लॉग का, ओके लॉग गैमा ए बी को हम लोग पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ए, ओके यहाँ पे आपके पास जेड ए माइनस जेड बी मल्टीप्लाई बाय ओके रूट आई, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं लॉग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके लॉग गामा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और लॉग गामा एक्स की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ओके तो सभी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे रखेंगे। जैसे आपका लॉग गामा ए की वैल्यू थी वो थी आपके पास माइनस ए, ओके जेड ए जेड बी, ओके यहाँ पे आपके पास आई ये आपके पास वैल्यू थी, और यहाँ पे दूसरा था आपके पास ए जेड बी, ओके और यहाँ पे आपके पास था आई था, ओके तीसरा था आपके पास यहाँ पे जेड ए ये आपके पास जेड ए प्लस आपके पास जेड बी, और यहाँ पे आपके पास क्या था जेड ए प्लस जेड बी, ओके और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय आई था, ओके इस तरीके से आपको ये पूरा इक्वेशन दिया था, ओके इस तरीके से आपको क्या करना है इसको रिप्रेजेंट करना है। अभी तीनों को अगर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे लिख दिया तो ये इक्वेशन किस तरीके से बनेगा वो आप ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लॉग के लॉग गैमा ए की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे आपको लिखनी है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले लॉग गैमा ए, ओके प्लस आपका लॉग गैमा बी, ओके प्लस आप माइ सॉरी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस लॉग के नॉट माइनस आपका यहाँ पे नीचे क्या है आपका डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास लॉग, ओके लॉग हो जाएगा गैमा एक्स का यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास फॉर्मूला बना। अभी सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लॉग के हो जाएगा इज इक्वल टू ओके, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे लॉग के है ओके माइनस आप लॉग के नॉट को इस साइड ले लो, ओके ये वाली वैल्यू को हमने इस साइड ले लिया, ओके तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास लॉग गैमा ए प्लस आपके पास लॉग गैमा बी बचेगा माइनस आपके पास क्या बचेगा लॉग गैमा
एक्स का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास बचेगा। अभी सिंपली आप क्या करो, जो भी आपके पास वैल्यू है ना लॉग गामा ए की, गामा बी की, या फिर गामा एक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, तो उसका आप वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग के अपॉन के नॉट आ जाएगा। ओके, आपको ये पता है, आई आई थिंक मेरे हिसाब से आता हो। तो ये क्या हो जाएगा, आएगा आपके पास माइनस ए, ओके, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जेड ए जेड बी आ जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, और ये आ जाएगा आपका माइनस ए, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी, ओके, यहाँ पे आपके पास जेड ए, ओके, और इस तरीके से जेड ए जेड बी, और यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इस चीज को आगे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग के अपॉन के नॉट आ जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए, यहाँ पे आपके पास जेड ए का जेड ए, या फिर आप कह सकते हो इसको किस तरीके से आप लिख लो, यहाँ पे जेड ए का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आई आ जाएगा, ओके, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जेड बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय रूट आई माइनस ये माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा जेड ए प्लस आपका जेड बी का स्क्वायर, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बाय आई आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बना। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनता है, ए, ओके, जेड ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई, ओके, माइनस आपके पास ए, उसके बाद जेड बी का स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय आई, ओके, यहाँ पे आपके पास प्लस ए जेड ए का स्क्वायर प्लस आपके पास जेड बी का स्क्वायर प्लस आपके पास टू क्या होगा, टू जेड ए प्लस जेड बी बचेगा, टू ए जेड ए प्लस जेड बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा, ओके। अगर आप इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ से आपका जेड ए का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे जेड बी का स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका जेड ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस कट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड ए का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आपका जेड ए का स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ से कट हो जाएगी। तो ये कट होने के बाद सिंपली आपके पास क्या बचता है, सिंपली आपके पास बचता है यहाँ पे आपका टू ए जेड बी, ओके, मल्टीप्लाई बाय जेड आई, ओके, ये आपके पास बनता है, जिसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास लॉग के अपॉन के नॉट, ओके। तो ये आपके पास क्या बचता है, एक इक्वेशन बचता है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को आप क्या करो, एज अ इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो, क्योंकि अगर आपको कभी भी यहाँ पे रिलेशन पूछा जाए, और आपको दिया भी जाता है, ओके, आपको अगर आपको क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो आप इस चीज को क्या करो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि ये भी आपको इसके ऊपर भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाऊंगा, दो तीन क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ पे बताए हैं, सॉल्व किए हैं, और बाकी के क्वेश्चन आप चाहो तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में होते हैं वहां से आप देख सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। हमने पूरा एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में हमने उसको बनाया है, ओके। जैसे आप एमसीक्यू कैसा करते हो, आप ऑप्शन नंबर टिक करते हो फिर वो सबमिट हो जाता है, उसी तरीके से हमने क्या किया है, उसी तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया है, आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। अगर आपका एक बार गलत हो जाता है तो आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, आप जितनी बार चाहो उतनी बार, ओके। तो सिंपली ये क्या करो, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लो यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, जिसके अंदर आपको ए की वैल्यू पता है, ए क्या है आपके पास, डीबे हुकल लिमिटिंग कांस्टेंट, ओके। और यहां पे दूसरा आपके पास जो आई है, आई क्या है आपके पास, आयोनिक स्ट्रेंथ है, आयोनिक स्ट्रेंथ, ओके। और जो आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, 0.509 थी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.51, और ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, 1/2 भी हो सकता है, ओके। और इसके ऊपर तो क्वेश्चन आते ही, लेकिन इसका जो ग्राफ है ना, ग्राफ के ऊपर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो इसका ग्राफ किस तरीके से है ना, वो यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं, ओके। इसका ग्राफ पता है कैसे आता है, बहुत सिंपल है, जैसे हमने सभी में ग्राफ देखा था ना, इसके अंदर भी जरूर हम ग्राफ देखेंगे,
ओके। तो इसका जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ किस तरीके से, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, लॉग के अपॉन के नॉट है, ओके, इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी, ओके, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय आई है, ओके। लेकिन अगर हम लोग सपोज यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, तो मुझे बताओ क्या इक्वेशन के अंदर कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, अभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ओके। अभी क्या आप मुझे बताओ, क्या इसकी मदद से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे y की वैल्यू है आपके पास, वो क्या है आपके पास, लॉग के अपॉन के नॉट दी है, ओके। यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू है जो है जीरो, यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू है जो है आपका स्लोप, और स्लोप की वैल्यू यहाँ पे दी है वो है आपके पास 2a जेड ए और जेड बी दी है, ओके। यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू दी है जो है आपके पास यहाँ पे अंडर रूट आई दी है, ओके। अभी इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है। तो मुझे बताओ क्या ग्राफ इजी है या हार्ड है? अभी बहुत इजी है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके जो ग्राफ आएगा ना, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ किस तरीके से आएगा, ओके। अभी यहाँ पे आपका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, आपका यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, जीरो है, ओके। तो ये आपका जीरो हो गया। अभी अगर आप यहाँ पे स्लोप देखो, तो यहाँ पे स्लोप आपका दो तरीके से आ सकता है। अगर सपोज अगर हमने स्लोप को यहाँ पे जो आपका स्लोप है, ओके, अगर ये स्लोप को अगर सपोज हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, ओके, तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे स्लोप को, तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, 2a बनेगा, जेड ए और जेड बी बनेगा, ओके। ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगा फॉर पॉजिटिव। अगर हम लोग स्लोप को यहाँ पे अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, ओके, तो अगर हम नेगेटिव लेते हैं, तो जो आपका स्लोप बनेगा वो स्लोप किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे माइनस 2a जेड ए और जेड बी बनेगा, ओके। इस तरीके से आपका दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे स्लोप को लेके। इसके लिए यहाँ पे आप जो भी स्लोप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। अगर आपने पॉजिटिव लिया तो स्लोप आपका इस तरीके से आएगा, अगर आपने नेगेटिव लिया तो आपका स्लोप इस तरीके से आएगा, ओके। तो ये पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा जो है आपका 2a जेड ए जेड बी, ओके। अगर आपने नेगेटिव लिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2a जेड ए जेड बी आ जाएगा, ओके। दोनों स्लोप है, दोनों में आपकी जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन एक नेगेटिव है एक क्या है, पॉजिटिव है, ओके। और ये जो आपका वाई एक्सिस है वो है आपका लॉग के अपॉन के नॉट, और जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या है, अंडर रूट आई, ठीक है। तो ये आपको पूरा यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके। अभी एक क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमने पॉजिटिव लिया तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, अगर हमने नेगेटिव लिया तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आएगा, ओके। तो ये मन में आपके क्वेश्चन होना चाहिए। अभी हमारे पास लॉग का जो इक्वेशन है, लॉग का इक्वेशन क्या है आपके पास, के अपॉन के नॉट है, ओके, 2a है, यहाँ पे आपके पास क्या है, जेड ए है और जेड बी है, ओके, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट आई है। ये आपके पास एक इक्वेशन है। अगर आप इसको लॉग के इज इक्वल टू माइनस लॉग के नॉट लिख दे, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस आपका 2a हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा, ओके। अगर आपने सपोज यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव लिया, ओके, अगर आपने सपोज स्लोप को यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो स्लोप अगर आपका क्या है, पॉजिटिव है, इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, आपके ये 2a है, ओके, ये आपके पास जेड ए है, ये आपके पास जेड बी है, ओके। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो मुझे बताओ, अगर मैं पॉजिटिव स्लोप लेता हूं तो ये आपके पास लॉग के है, ये आपके पास क्या है, लॉग के नॉट है, ओके, प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जेड ए हो जाएगा और जेड बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेता हूँ तो नेगेटिव के अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्लोप आया तो एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जब भी आप नेगेटिव स्लोप लेते हो ना, ओके, तो नेगेटिव स्लोप के अंदर कैसा होता है कि जो आपका लॉग के है ना, लॉग के और क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग के नॉट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, जेड आई हो जाएगा, ओके। अभी इस केस में क्या होता है कि जो आपका आयोनिक स्ट्रेंथ है ना, अगर आपका सपोज आयोनिक स्ट्रेंथ यहाँ पे अगर आपका इंक्रीज होता है, तो
तो यहाँ पे जो आपका रेट कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी इस केस में, क्योंकि ये क्या है, आपका नेगेटिव स्लोप है। अगर इस केस में अगर आप जाओगे ना, तो जो लॉग के है ना, वो लॉग के अगर आपका बढ़ता है, तो यहाँ पे जो आपका आयोनिक स्ट्रेंथ है ना, वो भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होता है, यानी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आपको समझना होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली इसको आपको एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन केस ऑफ OH बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ओके, यहाँ पे आपके पास एक मेटल कॉम्प्लेक्स दिया है जिसके अंदर स्लोप दिया है आपको लॉग के अपॉन के नॉट एंड आई का, स्लोप आपको बनाना है यहाँ पे लॉग के अपॉन के नॉट एंड आई का, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे दी है, जो है आपके पास 2.1 है, ओके। और आपको यहाँ पे जो क्या चार्जेस इसके अंदर आते हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है, यहाँ पे हम इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किस तरीके से आएगा, आपके पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है लॉग की वो आपके पास है, ओके। तो ये वैल्यू क्या है, आपके पास लॉग के अपॉन के नॉट है इज इक्वल टू जो वैल्यू आपका है 2a z a z b, ओके, यहाँ पे आपका अंडर रूट आई है, ओके, ये वैल्यू आपको दी है। और इसके अंदर अगर आप ओ एच देखोगे, ओ एच क्या है आपके पास नेगेटिव है, और ये क्या है आपके पास बेस है, तो यहाँ पे बेस है तो ये जेड ए आ जाएगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दी है कितनी, 1 है, ओके। और यहाँ पे जो आपके पास एक ये दिया है मेटल कॉम्प्लेक्स दिया है Ml6, ओके, यहाँ पे जेड प्लस जेड का वो क्या है आपके पास जेड बी है, ओके, और जेड बी की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और ओके क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहते हो, तो इसका स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हो। स्लोप में आपको पता है कि इसकी जो एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2a है, ये आपके पास जेड ए जेड बी है, और इसकी वैल्यू है आपके पास -2.1 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे टाइप ये कर देते हो कि 2 इंटू, ओके, स्लोप क्या है आपके पास, स्लोप है आपके पास -2.1, ठीक है, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये स्लोप है, ओके, मल्टी यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी है, ए की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दी है क्या है, स्लोप की, स्लोप आपका क्या हो गया, ये पूरा इक्वेशन हो गया ये स्लोप, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे आपकी मल्टीप्लाई बाय 0.05 01, ओके, 9, ठीक है। अभी इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो सिंपली हम इसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, और ये जेड भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.509, ओके, इज इक्वल टू जेड बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो इक्वेशन होगा वो आपका आएगा, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन सेम ही है, आपको इस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं हम लोग, द रेट बी इज, ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बी का चार्जेस है वो आपको फाइंड करना है सिंपली, यानी ये आपको रिएक्शन में समझ गया होगा, ओके, बहुत सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, चार्ज यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, तो ये चार्ज निकालना एक तरह से बहुत इजी है, ये आपको जो पूरा यहाँ पे जो दिया है वैल्यू, इसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, जैसे अगर आपको ऑप्शन नंबर ए है, इसमें आपको वैल्यू दी है 1, ऑप्शन नंबर बी है उसके अंदर आपको 2 दिया है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी आपको 3 और ऑप्शन नंबर डी इज 6 दिया है। ओके, तो अभी आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपका क्या है, एक तरह से एक्वे सॉल्यूशन भी है और आपको आयोनिक स्ट्रेंथ भी दिया है। ओके, तो आप इस समय इससे आप समझ जाओगे कि ये जो पूरा आपको क्वेश्चन पूछा है ये किससे पूछा है, आपको सॉल्ट इफेक्ट से पूछा है। ओके, तो आपको क्वेश्चन भी पहचानने आना चाहिए। आप अगर वो क्वेश्चन नहीं पहचान पाते हो तो आपको फिर दिक्कत होता है बहुत बार। ओके, तो आपको क्वेश्चन पहचानने के लिए आपको कुछ कुछ जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, जिसके अंदर आपका जो आयोनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो आपको दी है, वो है आपके पास 0.01 मोलार दी है। ओके, ये आपको दी है। इसका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन क्या है आपके पास, लॉग के अपॉन के नॉट इज इक्वल टू 2a, ओके, मल्टीप्लाई बाय जेड ए जेड बी, ओके, यहाँ पे आपका आई, ये आपके पास इक्वेशन पहले से क्या है अवेलेबल है। अभी इसी इक्वेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग के नॉट हो जाएगा, ओके, यहाँ पे आपका प्लस 2 a जेड ए जेड बी हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय रूट का आई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप लॉग के देखो तो लॉग के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लॉग के नॉट आ जाएगी, ओके, ये हो गया, प्लस आपका 2 a आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास रूट आई आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अभी इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लॉग के 0.01 में, ओके, और दूसरा है आपके पास लॉग के 0.04 में। ओके, यहाँ पे अगर आपने लॉग के की वैल्यू देखी थी, लॉग के की वैल्यू इस तरीके से थी, ओके, तो हम दोनों वैल्यू को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग के नॉट आ जाएगा, प्लस आपके पास 2 a आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी आ जाएगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 0.01 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से दूसरा है आपके पास लॉग के नॉट आ जाएगा, प्लस आपके पास 2 a आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जेड ए जेड बी आ जाएगा, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.04 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास दोनों इक्वेशन यहाँ पे बनते हैं। ये आपका कौन सा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, दोनों इक्वेशन आपको इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, जो आपका इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था आपके पास, लॉग के 0.04 माइनस लॉग के 0.01, ओके, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, लॉग के नॉट माइ प्लस आपका 2 a, ओके, यहाँ पे आपका ब्रैकेट में जेड ए जेड बी, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.04, ओके, उसके बाद माइनस लॉग के नॉट माइनस 2 a जेड ए जेड बी, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.04, ओके, 1। तो ये आपको पूरा एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है। अभी इस इक्वेशन को अगर आप क्या करो, वैल्यू को अगर आप पुट कर दो तो आपके पास वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है लॉग के, ये आपके पास वैल्यू है के 0.04 डिवाइडेड बाय के 0.01 की, ओके, तो ये वैल्यू ऑलरेडी दी है आपके पास, ठीक है, और ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो आपके पास ऑलरेडी है लॉग के नॉट, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.509, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1 × n, ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10^-1 माइनस 10^-1, ओके, अभी इज इक्वल टू एन, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10^-1 माइनस 10^-1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0.3 थी। अभी आप इसको एन की जो वैल्यू है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, 0.3 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक फाइनल जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन का जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको इन जनरली आपको CSIR नेट में 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। ओके, आप इजिली इसको नहीं देख सकते हैं कि हम लोग को इजी क्वेश्चन जैसे पहला वाला मिला था वैसा ही सभी आपको इजी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन यहाँ तक है, और यहाँ तक अभी हम वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है।
और ये हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है आज यहाँ पे खत्म होता है। पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स हमने बहुत अच्छे से कर दिया है। अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके PYQ क्वेश्चन है, उसका भी एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसके अंदर आपको लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जिसके सभी के जो आंसर है आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा लाइव, वो भी करवाएंगे। ओके, जैसे हमने कहा है वो लाइव करवाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि लाइव कब लेंगे। मोस्टली सैटरडे या संडे ही होगा। ओके, उसी दिन आपको ये लाइव लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट आता है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करें। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा नंबर चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके पास हमारा नंबर है 8668898708। ओके, तो इस पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज। ओके, और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।